गाली से बात किया जाता है, बताइए 11 महीना से हम लोग सह रहे हैं। कौन लोग गाली से बात करते हैं यहाँ का? जैसा है मनोज सिंह जो है, मतलब गाली से अभी भी गाली देके गए हैं कि सीना तोड़ देंगे तुम लोग का। आप महिला लोग को भी, लेडीज को बोले हैं, महिला को भी बड़ा ग्राउंड में चुप रहो, एकदम डांट दिया जाता है, जो सही बात बोलने पर भी चुप रहो नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, रिटर्न कर देंगे, जिला वापस कर देंगे। बस धमकी से ही 11 महीना से हम लोग को रखा गया, सामान सब चोरी हो गया, बोलने गया उस पर भी हम लोग को डांटा गया है। इतना जोर से डांटते हैं कि मतलब कि हम लोग उतना आज तक 20 साल के नौकरी में कोई नहीं डांटा होगा उस तरीका से डांटते हैं। रीता सिन्हा जावरन, ये हम लोग नहीं जान रहे कि किस लिए खाली कराया जा रहा है। ये सिर्फ सीधा कहता है कि बैरक आप लोग खाली कीजिए, आप लोग CIT में जाइए, आप लोग का थोड़ा दिन का मामला है। जब साल भर से हम लोग यहाँ पर रह रहे उस समय हम लोग को क्यों नहीं हटाया गया? पहले क्यों नहीं कहा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है? और जगह नहीं था तो क्यों रखा गया? जब उस समय भी आप लोग रिटर्न कर देते जिला, हम लोग जिला चले जाते। आखिर इस तरह से क्यों रखा गया? जहाँ पर टूटल फैटल है वहाँ भेज रहे, ना लैट्रिन का व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है, वहाँ पर साफ अगर सारा चीज़ है, और नीचे कह रहा है कि बिस्तरा लगा करके यहीं पर रहना है आप लोग को, जैसे निकलिए, और नहीं निकलिएगा तो सीना तोड़ देंगे, उठा के पटक के मार देंगे। आप लोग को दुर्व्यवहार भी किया जी सर, डेली का उस तरह का व्यवहार किया जाता है, लगता है कि हम लोग को निगल जाएगा एकदम साफ, ऐसा लगता है सस्पेंड करा देंगे, ये करा देंगे, गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बात बोला जाता है। हम लोग बर्दाश्त करके इतना दिन रहे। विजय कुमार सिंह।